दोस्तों भाई शुरुआत करते हैं। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आज की जूम सेशन पर। और हर रोज सुबह 6:30 बजे सेशन को अटेंड करने के लिए आप सभी अपने बहुमूल्य समय निकाल करके आते हैं। और जो लोग आते हैं वो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सेफ सब बिजनेस में आप है ना यहाँ पर सक्सेस होना चाहते हैं, तो इसीलिए बहुत बहुत बधाई है आप सभी को। दोस्तों हम सभी का आज टॉपिक जो चल रही है फॉलोअप का चल रहा है, सवाल का जवाब। तो दोस्तों कैसे आप लोगों से मिल करके प्लान फॉलोअप है ना कैसे कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो अभी फॉलोअप जो क्वेश्चंस आंसर को शुरुआत करते हैं ज्यादा समय न गंवाते हुए। क्या आप सभी की स्क्रीन दिखाई दे रही है? चलिए दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग फॉलोअप नंबर 9 में पहुंचे हैं। कल हम लोगों ने जो है 7 और 8 को क्लियर किया दोस्तों। चलिए तो बहुत ही फेमस जो सवाल है आप देख सकते हैं कि लोग बोलते हैं जब भी आप प्लान बताएंगे है ना, तो बताने के बाद सब कुछ बढ़िया बता दिया है ना, लेकिन उसको बोलेंगे कि बिजनेस कैसा लगा, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बोलते हैं, लेकिन अभी वो बहाना बनाने के लिए तैयार है। क्योंकि हो सकता है मैक्सिमम में जो है 90% लोग क्या होते हैं दोस्तों, लोग बहाना बनाते हैं ना, उनके पास जो रीजन बताते हैं वो जेन्युइन रीजन नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको बिजनेस समझ में नहीं आया होता है या फिर उनके अंदर में विश्वास की कमी है, जिनकी वजह से वो ये इस बिजनेस को जो है वो नकारा करना चाहता है, उसको ज्वाइन नहीं करना चाहता है, इसीलिए कुछ ना कुछ बहाने बनाने का प्रयास करता है। तो बहाने बनाने के लिए सबसे फेमस जो सवाल है वो क्या है दोस्तों, मैं बिजनेस करना तो चाहता हूँ है ना, लेकिन मेरे पास समय कहाँ है, समय ही नहीं है। दोस्तों लोग अपना 8 घंटा 10 घंटा काम करके है ना, दिन का 500 रुपये 1000 रुपये, महीने का 10-15 हजार 5 हजार को जो भी कमाते हैं उसके लिए लगातार वो टाइम निकाल रहे हैं। तो दोस्तों ये हमको असंभव लगता है कि हम पिछले कई पीढ़ी से हम अपना काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसा अवसर मिला है जहां से हम अमीर बन सकते हैं है ना। आज हम 20 हजार कमा रहे थे, हम 50 हजार कमा सकते हैं, हम 1 लाख कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग क्यों ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाने के लिए हमको है ना टाइम ही नहीं है। तो दोस्तों एक्चुअली उनका हर कोई व्यक्ति जिंदगी में आगे तो बढ़ना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं दोस्तों, जीवन में उस चीज की तैयारी करना नहीं चाहता है ना, अपने आप को योग्य बनाना नहीं चाहता है, उसके लिए मेहनत करना नहीं चाहता है, इसीलिए आदमी शॉर्टकट आसान रास्ता से वो पैसे कमाना चाहता है। इसीलिए सबसे ज्यादा कोई चलता है तो दोस्तों लॉटरी चलता है ना, लॉटरी दुकान में लॉटरी खरीदने के लिए आदमी रोज 40-50-100 रुपए का तो लॉटरी खरीदता ही खरीदता है, ताकि उसको अचानक से लॉटरी फंसे, उसके पास बढ़िया पैसा मिले और अपना जिंदगी का हर सपना पूरा करूं है ना। तो दोस्तों सबसे बड़ा फेमस सब क्वेश्चन यही है दोस्तों कि मेरे पास समय नहीं है, तो उसको आप कैसे बोलेंगे, कैसे समझा पाएंगे, तो इसको आपको अच्छे से समझिए और समझने के बाद आप इस तरह को उसको बढ़िया से तरीके से आप बता सकते हैं। समय तो सबके पास उतना ही है दोस्तों, पर समय का मैनेजमेंट सबको नहीं आता है ना। समय का मैनेजमेंट जो है, समय तो भगवान ने रतन टाटा जी को भी है ना, मुकेश अंबानी जो को भी, इलोन मस्क को भी, प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को भी, चाहे कोई भी हो XYZ है ना, सभी को भगवान ने 24 घंटा का ही समय दिया है, चाहे गरीब से गरीब हो किसी को भी, लेकिन समय का जो मैनेजमेंट सभी को नहीं आता है, जिसको यह कला है ना जितनी ज्यादा आती है वो उतना ही सफल हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है समय ही धन है ना। वर्तमान जो समय आपके पास में है, जो समय आपके पास में है, और आपके पास में क्या है, आपका बुद्धि है, आपका हाथ है, दो हाथ है ना, आपका आंखें हैं, आपका कान है, जिससे सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उस समय को आप अपना शरीर का बल, ताकत, बुद्धि को सही जगह में लगा करके हम जीवन में बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं है ना दोस्तों। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि
जिसको ये कला आ गया समय का मैनेजमेंट करना, वो उतना ही सफल हो जाता है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, यही धरती पर भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन एक व्यक्ति गरीब बन जाता है जीवन भर, हमेशा वो दुख तकलीफ में जीता है, तो एक व्यक्ति है ना आलिशान जीवन जीता है, हमेशा सुख भरा जीवन जीता है, परिवार के साथ में है ना हर खुशियां वो उसको मिलता है दोस्तों। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसने समय की कदर की है ना, समय को उसने धनी बनने के लिए लगाया, अमीर बनने के लिए, सही जगह में उन्नति करने के लिए और स्मार्ट वर्क के लिए लगाया। समय तो उनके पास भी 24 घंटा ही था है ना, तो आप देख सकते हैं। लेकिन हर कामयाब जो आदमी होता है जिसने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, उनके पास भी दिन रात मिला के 24 घंटा ही तो थे। लेकिन जो लोग कामयाब हुए हैं आपकी तरह, वे भी सामाजिक और घर परिवार वाले ही तो थे है ना, लेकिन वो क्या नहीं करते थे दोस्तों, बहाना नहीं करते थे है ना, वो जिम्मेदारी उठाते थे है ना, लेकिन बहाना नहीं मारते थे है ना। तो इस तरह से है ना, जितने भी बड़े बड़े कामयाब होने वाले व्यक्ति है, उनके पास भी अपना सामाजिक जीवन था, परिवार था, उनके पास भी 24 घंटे ही थे, लेकिन उन्होंने अपना समय को मैनेजमेंट करके अपना परिवार को, समाज को बढ़िया मेंटेन करते हुए कैसे सफल बने, क्योंकि उन्होंने समय को उन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट करना उसने सीख लिया, और जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उन्होंने सफलता हासिल की। फिर आप समय के लिए चिंता क्यों करते हैं, है ना दोस्तों। तो आप बताइए, कोई भी चीज का हमारे पास समस्या है, तो उसका समस्या है तो आप बताओ उसका है ना, उसका मतलब निजात क्या है ना, उसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों। तो सोल्यूशन बताने वाला बहुत ही कम लोग होते हैं दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा, यदि आपके पास में समय नहीं है, लेकिन समय का मैनेजमेंट मैं आपको बता दूं, और समय का सही तरह से आप मैनेजमेंट करके अपना जीवन में थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके आप यहां से अमीर बन सकते हो, अपना सपने को पूरा कर सकते हो, तो क्या आप ज्वाइन करने के लिए तैयार हो, है ना। तो सामने वाले व्यक्ति के एक्चुअली समय नहीं है ऐसा नहीं है, समय सबके पास बराबर है, लेकिन उस समय का हम क्या करते हैं वो सामने वाला व्यक्ति को पता नहीं होता दोस्तों, है ना। लेकिन आप इस तरह से अच्छी तरह से आप उसको समझा दीजिए, ताकि वो समय की कीमत को समझ सके, अपना जिंदगी की सफलता को समझ सके है ना, और उनके अंदर की जो क्षमता है उनको समझ सके है ना, ताकि उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को, तो इस तरह से कॉन्फिडेंस की कमी होती है दोस्तों लोगों में, क्योंकि उनको पता नहीं होता है इसके बारे में। तो आपने बताना है दोस्तों कि जिम्मेदारी निभाती हुई उन्होंने सफलता हासिल की, तो फिर आप समय की चिंता क्यों करते हैं, है ना। जितने भी आज सेफ सब बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने आज अपना काम करते हुए परिवार को चलाते हुए, उनको जब ये अवसर मिला तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, बढ़िया तरीके से उन्होंने सब कुछ को मेंटेन करते हुए भी आज है ना अपना जिंदगी बहुत बेहतरीन बना रहे हैं। और देख सकते हैं, आप अकेले 10 से 12 घंटे काम कर सकते हैं, जरा सोचिए क्या यह अमीरी का रास्ता है, आप खुद सोचिए दोस्तों। 10 से 12 घंटे हम जब काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे पिताजी करते थे, हमारे दादाजी करते थे, कई पीढ़ी से करते हुए आ रहे दोस्त, लेकिन क्या यह अमीरी का रास्ता है, आप बताइए। एक ठेला चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, पिछले 30 40 सालों से वो ठेला और क्या है रिक्शा चला रहा है, तो लेकिन क्या वो अपना वो अमीर बनने का रास्ता है, ईमानदारी का है ना, ईमानदारी का रास्ता है, ताकत बल पसीना सब बाहर है, लेकिन क्या वो रास्ता अमीर बनने का है, नहीं दोस्तों। तो हमें थोड़ा सा अमीर बनने के रास्ता को चुनने की आवश्यकता है, और जो आज अवसर हमको मिला हुआ है ना। या यूं सोचिए कि लोग अमीर है, क्या वो लोग 12 या 14 घंटे ही काम करते हैं, जो लोग अमीर है क्या उनके लिए क्या 12 और 14 घंटे काम करके वो अमीर बने दोस्तों, बिल्कुल नहीं, उत्तर नहीं है बिल्कुल है ना। वह लोग हजारों घंटे काम करते, हजारों घंटे है ना वो लोग काम करते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे, उनको आप पूछ सकते हैं, आप सोच रहे होंगे कि हजारों घंटे कैसे काम करते हैं, जबकि एक इंसान के अंदर में 24 घंटे का ही समय होता है ना, तो वो हजारों घंटे कैसे काम करेगा। तो देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए हजारों लोग काम करते हैं मेरे दोस्त, उनके लिए हजारों लोग काम करते हैं। जो लोग अमीर बनते हैं वो कभी अकेले काम नहीं करते है ना, अमीर जो लोग बनते हैं उनके लिए हजारों लोग काम करते हैं। क्या आज हम लोग गरीबी बनने का रास्ता इसीलिए है, क्योंकि हम अकेले ही मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम ज्वाइन कर रहे हैं, और यहाँ से दो लोगों का समस्या का समाधान हम दे रहे हैं, लोगों को यहाँ पर कोई डिग्री नहीं मांग रहे हम है ना, उनको कई लाखों रुपए इनकम नहीं मांग रहे, उनका एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, बस उनको एक ही चीज हम पूछ रहे हैं कि जीवन में क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आप सीखना चाहते हैं, क्या अपना परिवार को खुशी आप देना चाहते हैं,
तो लेकिन फिर भी आप बताइए कि आपने अभी भी हाँ नहीं बोला और आपने ना बोला तो जीवन में आप क्या तरक्की करेंगे, कैसे करेंगे, है ना? तो देख सकते हैं, तो आप भी यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हजारों लोगों को एक अवसर दे करके, है ना, एक टीम पार्टनर बना करके हजारों घंटे आप अपने लिए काम कर सकते हैं, है ना? वही अवसर आपके पास भी है आज, हजारों का टीम बनाने का, और हजारों लोगों को आपको सैलरी देने का कोई झंझट नहीं है कि आपके पास इतना पैसा हो गया आपको सैलरी कैसे देंगे, है ना? बस लोगों को जोड़ना है, लोगों को सिखा देना है, समझाना है, और उनको सफलता के लिए एक अवसर के लिए, है ना, उसको सपोर्ट करना है ना? तो इस तरह से करते जाएंगे दोस्तों, तो आने वाला दिन में आपके लिए भी हजारों लोग काम करेंगे, हजारों घंटे काम होंगे, तो आप भी अमीर बनने के रास्ता में, है ना, और वहां तक आप पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा क्या देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर, आप अपने काम के ढंग में थोड़ा बदलाव लाइए दोस्तों। बोला गया है ना, कि यदि आप वही करते रहेंगे जो पहले से ही करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है दोस्तों, है ना? क्या आज के दिन में आपके पास जो मकान है, जितने पैसे हैं, जो तरक्की आपका हुआ, क्या आप उसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं होंगे, है ना? तो संतुष्ट नहीं है तो थोड़ा दोस्तों, यदि आपको संतुष्ट होना चाहते हैं तो थोड़ा सा काम का तरीके में तो बदलाव लाना पड़ेगा ना। आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को ही लगातार करते रहेंगे, आने वाला दिन भी वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है ना? लेकिन आप उस काम को करते हुए भी आज इस एक नया बिजनेस को आप पकड़ेंगे और यहां पर सीख करके आप काम करेंगे, तो आप अमीर बनने का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा, है ना? जिससे आने वाला दिन में आप यहां से मनचाहा जिंदगी बना सकते हैं। जिसके काम में समय अधिक बर्बाद होता है और प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है ना, या है ना, तो होती है तो ना के बराबर होती है, उस काम को नमस्ते कहकर इस बिजनेस में आइए, है ना? जहां पर आप बताओ, कई लोग तो इतना, मतलब 50 रुपए दिन में, 50 रुपए 100 रुपए के लिए भी काम करते हैं, है ना? लेकिन आज सेफ शॉप बिजनेस में आपने 3 से 4 घंटा भी आपने बढ़िया तरीके से काम की और 2 लोगों का हाँ भरवा दिया ना, तो एक दिन का आप यहाँ से 2400 रुपए कमा सकते हैं, 3000 कमा सकते हैं एक दिन का, है ना? जो जहां पर आप 8 घंटा काम कर रहे हैं, वहां पर 100 रुपए के लिए काम कर रहे हैं, 200 के लिए काम कर रहे हैं, और आज यहां पर वही समय लगा करके आप यहां से 10 गुना पैसा कमाई करने का मौका मिलता है, तो थोड़ा सा काम में बदलाव लाने की आवश्यकता है दोस्तों। आप अपना काम को, है ना, अपने जो काम को करते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं, अपने मेहनत और प्रयास तथा हमारी सहायता से उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, है ना, जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, यानी कि धनी बनना चाहते हैं, जिससे आप अपने जीवन और परिवार को खुशहाल बना सके ना। एक बार अवश्य सोचिए कि वर्तमान समय में आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए भी क्या आपको समय की स्वतंत्रता नहीं चाहिए? बताइए, क्या आपको लाखों रुपए महीने कमाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, ऐसा अवसर आप नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं दोस्तों। जवाब अगर ना है तो आपके लिए इस बिजनेस को, है ना, बिजनेस को मना करना उचित नहीं होगा दोस्तों। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, समय की स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, और जिंदगी में परिवार का उन्नति चाहते हैं, और जीवन को खुशहाल जीवन चाहते हैं, तो दोस्तों आज इस बिजनेस को आप ना करना, ये आपके लिए उचित नहीं होगा। एक अवसर को आप खो देंगे, जिससे आप कभी भी फिर अपना परिवार के लिए कुछ बड़ा कर नहीं पाएंगे। लेकिन आज इस बिजनेस को आप हाँ बोलते हैं, है ना, और समय निकाल करके, थोड़ा थोड़ा समय लगा करके भी आज इस बिजनेस में आप सीखते हैं, हमारे सहयोग लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो आने वाला दिन में आपका परिवार में खुशहाली, है ना, पैसा, मान सम्मान, बहुत सारा चीज आपके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। यह बिजनेस को अपनाइए और सिर्फ 2 से 3 वर्ष इस बिजनेस को बढ़िया तरीके से कीजिए, सिस्टम को फॉलो करके। मेरा दावा है कि 2 से 3 वर्ष बाद आपकी दुनिया खुशहाल हो सकती है ना? तो इसीलिए दोस्तों, ये रहा, जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो मैं कैसे काम कर सकता हूं, तो क्योंकि एक्चुअली लोगों के पास में थोड़ा सा ज्ञान नहीं है, है ना, ज्ञान मतलब नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कमी की वजह से उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन उनको समय का मैनेजमेंट करना सिखा दिया जाए और उनके अंदर की कॉन्फिडेंस को, है ना, थोड़ा सा डेवलप कर दिया जाए और हम उनके साथ सपोर्ट में आए, तो दोस्तों हर कोई व्यक्ति को आप ज्वाइन करा सकते हैं और उनको साथ लेकर के भी आप चल सकते हैं। तो अभी सवाल फॉलोअप का जो क्वेश्चन आंसर है, नंबर 10 है ना, आप देख सकते हैं, इस तरह का काम करने से क्या समाज में प्रतिष्ठा घटती है? यदि मैं इस तरह का काम शुरू करता हूं तो लोग क्या कहेंगे? कई लोग दोस्तों, उनको ऐसा लगता है कि आज से कहीं 10 15 20 साल पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से बहुत सारा एक ऐसा पिरामिड स्कीम आया जहां पर सिर्फ पैसे उठाने का काम हुआ,
पैसे आपका डबल देने का वादा किया गया है, और सिर्फ पैसे का सर्कुलेशन हुआ है, वहां पर कोई जेनुइन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिजनेस को लोगों ने ज्वाइन नहीं किया रहता है ना, बिना छानबीन किए ऐसे ही मेरा पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा बोल करके लोग कई गुना पैसा डाले और विश्वास भी किए, जिनकी वजह से उन लोगों को बहुत सारा क्या हुआ है दोस्तों, उनका नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये डाउनलाइन बिजनेस है, चेन सिस्टम है ना, तो ये काम करूंगा तो कहीं मेरा बदनाम तो नहीं हो जाऊंगा, पैसे खाने वाले बिजनेस तो नहीं, ऐसा तो नहीं बोला है ना, बोलते हैं इस तरह से लोगों को ऐसा लगता है। बहुत सारे अच्छे प्रोफाइल के लोग हमारे बिजनेस में आज ज्वाइन है ना, ग्रेजुएटेड ग्रेजुएटेड ऑफिसर के लेवल हो चाहे है ना, बड़े बड़े लेवल के व्यक्ति भी आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना जिंदगी को है ना बेहतर बनाने के लिए लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज देख सकते हैं आज की जमाना बिल्कुल अलग हो चुका है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जहां पर आप पैसे लगाते हैं, पैसे के बदले में आपको सामान मिलता है, यहाँ पर कोई आपको पैसा डबल ट्रिपल देने का वादा नहीं करती है, ये सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है। तो आपको अभी जॉब कैसे देना है दोस्तों, कि आप जब कोई अनैतिक यानी कि आप उनसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो सर है ना, आपके हिसाब से ऐसा लगता है, लेकिन सर आपने जैसा सोचा था मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मुझे भी लगता था कि ये तो फ्रॉड बिजनेस होगा, ये डाउनलाइन बनाने वाला बिजनेस है, यहाँ पर अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिलता होगा है ना, और यहाँ पर कोई पैसा वैसा मिलता नहीं होगा, ऐसा बोलने वाली चीजें हैं, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है ना, लेकिन मेरे को मुझे मेरा अपलाइन ने मुझे बताया कि जब आप कोई अनैतिक सामाजिक समाज विरोधी या दूसरों को तकलीफ देने वाला कार्य करते हैं तो प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होते हैं है ना, जैसे कि किसी को हम नुकसान कर रहे हैं ना, किसी के लिए भला ना हो इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, तो उस काम में हमारे प्रतिष्ठा पर हमारे इज्जत पर हमारा सवाल खड़ा हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोगों को शिक्षा देना, फैशन तकनीक एवं स्वास्थ्य के विषय में अवगत कराना कोई अनैतिक सामाजिक एवं गैरकानूनी कार्य है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आज हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या करते हैं है ना, हम लोगों को अवसर बांटते हैं है ना, जो लोग फेल हुए हैं जो जीवन में नौकरी नहीं मिल पाया, ऐसे व्यक्ति को भी हम उनको जगाते हैं और उनको जीवन में उनका सपना पूरा हो सकते हैं बोल करके उनको हम समझाते हैं, उनको शिक्षित करते हैं है ना, उनके जीवन में तरक्की करने की बात बताते हैं है ना, फैशन टेक्नोलॉजी एवं जो हेल्थ के बारे में भी हम उनको अवगत कराते हैं, क्या ये चीज गलत है कि अच्छा है, तो अच्छा काम हम कर रहे हैं तो हमें हमें शर्म मानने की, हमारा इज्जत जाने की, हमें तो कोई चिंता होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर टेंशन मानने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस बिजनेस में आप लाखों लोगों को है ना, लाखों लोगों को लाखों रुपया महीना कमाने का अवसर जो प्रदान कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं एक व्यक्ति कई डिग्रियां सर्टिफिकेट हाथ में लेकर के खड़े होते हैं 10-15 हज़ार रुपये नौकरी के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई डिग्रियां नहीं मांग रही है, बस एक शॉपिंग छोटा सा शॉपिंग करके यहाँ पर सिस्टम में प्रगति सूत्र को फॉलो करके है ना, कोर ट्रेनिंग को फॉलो करके, अपलाइन को फॉलो करके, आपने आने वाला 4-5 साल आपने यहाँ पर अच्छे से बोलना और लोगों को समझाना सीख लिया, तो यहाँ से आप अपना आने वाला दिन में बहुत बड़ा है ना जिंदगी परिवर्तन कर सकते हैं, बस हजारों लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को जिसको आप जानते हैं, उनको भी लाखों रुपए महीना कमाने का एक अवसर प्रदान कर सकते हैं। जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें शर्म किसकी बात की है ना, हमें हमें अपना इज्जत जाएगा बोल करके हमको बिल्कुल भी है ना डरने की आवश्यकता नहीं है, ये बिजनेस करने से हमारा इज्जत मान सम्मान बिल्कुल बढ़ने वाला है। अब फैसला आपके हाथ में है कि इस अवसर को पाना है या गवा देना है ना, ये तो एक अवसर है, यहां से हम लोगों को जिंदगी परिवर्तन कर सकते हैं, लोगों को अवसर दे सकते हैं और साथ ही साथ हम अपना जिंदगी भी बना सकते हैं, इससे बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा और क्या हो सकती है हमारे लिए है ना। अब रहा सवाल कि लोग क्या कहेंगे, तो आइए इसे भी स्पष्ट कर देते हैं है ना, लोग बोलते हैं कि हाँ लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है जो कि इंसान के दिमाग में होती है तो जीवन में कभी भी उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, बोलते हैं ना कि एक गलत सोच है ना और पैर में मोच जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगी, उसी तरह से कोई भी चीज के लिए आप गलत फहमी दिमाग में पाल के रखेंगे तो गलत फहमी आपको जीवन में कभी तरक्की करने नहीं देगा दोस्तों है ना। तो अब रहा सवाल कि लोग क्या कहेंगे, तो आइए इसे भी स्पष्ट करते हैं, आज तक इस दुनिया में इसको समझने की आवश्यकता है ना, आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ है जिसकी लोग ने आलोचना या निंदा नहीं की है ना,
तो दोस्तों मछली मछली पानी में रहती है, और मछली का स्वभाव क्या है दोस्तों? तैरना है ना। और बंदर जो है वो भी इस धरती में एक जानवर ही है, और उसका स्वभाव क्या है? उछल कूद करना, गड़बड़ करना, ठीक है। तो उस तरह से कुत्ता भी एक जानवर है, उसका काम क्या है ना, घर में बैठते हैं तो वो तो भोंकेगा, भोंकने का काम तो करेगा है ना। रात के टाइम में कोई भी जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति आए है ना, अनजान लोग आए, तो भोंकेगा वो, काटेगा भी, तो उसका फितरत है। उसी तरह से इस धरती में भी जो इंसान होता है दोस्तों, इंसान आलोचना करने का उसके अंदर में क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक उसके अंदर गुण होती है। जिस तरह से गुस्सा होती है ना, जिस तरह से दुख होती है, इमोशंस होते हैं है ना, खुशी होती है, ये सारा चीज एक इमोशंस है। उसी तरह से दोस्तों लोग एक दूसरे का आलोचना करते हैं, आलोचना पीठ पीछे जरूर करेंगे। ये मत सोचे कि इसने मेरा बात किया क्यों किया है ना, उसने ऐसा बोल दिया। दोस्तों लोग तो आलोचना करेंगे करेंगे, और धरती में कोई ऐसा लोग जन्म नहीं हुआ जिसका लोग आलोचना नहीं करते है ना। आज इस पैनल में उपस्थित सारे का सारे लोग, आपके पीछे भी कोई ना कोई अच्छा बात भी बोल रहा होगा तो कोई बुरा बात भी बोल रहा होगा, और मैं यहां पर हूं तो मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग बुरा बोल रहे होंगे। लेकिन हमें कभी भी पीठ पीछे जो लोग है ना आलोचना करते हैं, उसकी कभी भी हमको दुखी होना नहीं चाहिए, और हम सभी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें दिल में लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आलोचना या निंदा से सिर्फ वही बच सकता है जो समाज के लिए निरुपयोगी या निकम्मा है ना। आलोचना से वही बच सकता है, बताओ, जो व्यक्ति एक गांव समाज में जो बिल्कुल दिमाग से क्या है, कुछ नहीं है ना, जो कोई गूंगा है, जो कुछ नहीं करता है, क्या उसके कोई आलोचना करता है? नहीं करता है। लेकिन जो जीवन में तरक्की करने वाला होता है, जो मेहनत करता है, जो कोशिश करता है, जो बड़ा काम करने के लिए है ना ज्यादा मेहनत करता है, दोस्तों आलोचना उसी की होती है। तो इसलिए यहां पर बोला गया है कि फलदार वृक्ष पर ही लोग पत्थर फेंके जाते हैं है ना, जिसमें फल होते हैं है ना, चाहे संतरे का हो चाहे आम का हो, आप देखो जिसमें फल ज्यादा होते उसमें ज्यादा पत्थर लोग फेंकते हैं है ना। तो इसलिए कटीली झाड़ी पर नहीं फेंकेंगे कोई पत्थर, जहां पर फल होते हैं वहीं पर फेंकेंगे। तो दोस्तों आपके पास में, आप जिंदगी परिवर्तन करने वाले अवसर में काम कर रहे हैं है ना, अपने सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, तो लोग तो बोलेंगे कि देखो डायमंड बनने निकले है ना, देखो अमीर बनने के लिए जा रहे हैं, देखो सपना देख रहा है, ख्याली बुलाओ, कुछ नहीं होने वाला इन लोगों का है ना, तो लोग तो बोलेंगे। लेकिन जिन लोगों ने है ना उस टाइम में बैरा बन गया कि दूसरे लोग क्या बोलते मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा परिवार का सपना पूरा मुझे करना है, बहुत सारे लोगों ने सेफ सब बिजनेस के द्वारा अपना जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाया है, तो मैं क्यों नहीं ला सकता है, इस तरह से बोल करके जो लोग लगातार दूसरे की बातों को परवाह किए बिना आप लगातार अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए, अपलाइन को फॉलो करते हुए काम करेंगे, तो आने वाला दिन में आप टॉप कर जाएंगे और आपका सफलता बिल्कुल निश्चित है, और वहां तक आप जरूर पहुंच पाएंगे। लोगों के द्वारा आलोचना किए जाना ही आपके सफल एवं सक्षम व्यक्ति होने का प्रमाण है ना। इसीलिए आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है, लोगों की निंदा की परवाह बिल्कुल ना करें दोस्तों। इस तरह से आप बढ़िया तरीके से अपना सवालों का जवाब दे करके आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने फॉलोअप नंबर 9 और 10 को हमने कवर करने का प्रयास किया, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, और इस चीज को बार बार वीडियोस को देखिए, लगातार किताबों को पढ़िए है ना। सिर्फ मेरा ही वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में बहुत सारे है ना नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सवाल जवाब है, उनको भी आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीखने के बाद आप लोग जीवन में आगे जरूर बढ़िए, जो लक्ष्य आपने चुना है वहां तक जरूर पहुंचे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच, गुड एवनिंग, नमस्कार।